Hey friends, marhaba, I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you, for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should be ready to flaunt your smile, always with lots of positiveness, support smile, peace. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जनाब रोशन अली शेख के साथ. ही इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बात होगी कोरोना वायरस की सिलसिले में एक हेल्पलाइन की. कोरोना वायरस ने हमारा जिस्मानी नुकसान किया, हमारा माशी नुकसान किया, लेकिन नफसियाती नुकसान भी किया. ये वो घाव हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन होते हैं. तो आइए इस फ्री हेल्पलाइन के बारे में बात करते हैं, ये कैसी हेल्पलाइन है और किस तरह से आपको मदद फराहम करती है. तो चलिए उनसे पूछते हैं. सलाम अलैकुम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आपने हमें ज्वाइन किया और इतना अच्छा मकसद है और ये लोगों तक इसकी इतला पहुंचनी चाहिए अवामी प्लेटफॉर्म पे, और सोशल मीडिया उसका सबसे बेहतरीन जरिया है. तो सबसे पहले तो मैं आपको रोशन अली शेख साहब मुबारकबाद दूंगी कि आपने अवाम का सोचा और इतने प्रैक्टिकल तरीके से सोचा और अवाम के इतने करीब डायरेक्टली आप लोग जिस तरह गुफ्तगुशनीद कर रहे हैं, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है. और मैं चाहूंगी कि दूसरे लोग और जो दूसरे लीडर्स हैं वो भी इस बारे में जो है ज़रूर सोचें. तो ओवर टू यू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिंध गवर्नमेंट जो कोरोना वायरस के चलते मदद कर रही है, जो हेल्पलाइन निकाली, इसके बारे में आप हमें बताएं. जी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी प्रोएक्टिव एक अप्रोच रखी है और एक विथ प्रॉपर साइंटिफिक एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी हम यहाँ डील कर रहे हैं. जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे जो होम डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे अपने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, वो तीन चीज़ों में काम कर रहा है. फ्यूमिगेशंस और उसके अलावा जो स्प्रे है उस पर भी काम कर रहे हैं, सफाई सुथराई पे भी काम कर रहे हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हम काम कर रहे हैं वो एक हमने काउंसलिंग एंड साइकोसोशल सपोर्ट की हम एक फैसिलिटी हमने शुरू की हुई है. अच्छा, आपको पता है कि नॉर्मली सिर्फ जो है उस जो आपका अब बीमारी है उसके साथ उसको डील करने में हॉस्पिटल्स और हेल्थ डिपार्टमेंट तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसकी तरफ कोई नहीं सोचता. मेरा अपना एक्सपीरियंस था मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में, फॉर एग्जांपल जापान में, कि इवन अगर जिलजिले के बाद वहाँ जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है वो इवन डिकेड्स के बाद भी लोगों के जहनों में था. और ये इस तरह इतने जो है ना वो परमानेंट साइकोलॉजिकल स्कार्स हैं जो लोगों के जहनों में रहते हैं और वो नहीं जाते और उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है और एडवर्स इम्पैक्ट उसका है. हमने क्या किया कि एक यूएनडीपी और यूनिसेफ के साथ मिलके एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हमने चार टारगेट ग्रुप्स हैं. पहला तो ये है कि वो जो COVID-19 जो करोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाएं, उसके अलावा जो दूसरे हैं जो पॉजिटिव तो ना हो लेकिन लेकिन इस तरह हो जाएं कि क्या कहते हैं जो क्वारंटीन में हैं उनके अजीज़ व अकारब या दोस्तों में कोई पॉजिटिव हो जाए लेकिन वो ख़ुद को क्वारंटीन कर लें. तीसरा है कि जो लॉकडाउन में डिप्रेशन और इसका शिकार हो जाते हैं एंड दे नीड सम साइकोलॉजिकल सपोर्ट. और चौथा है कि जो मेडिकल स्टाफ है जिनको जो वहाँ ड्यूटीज दे रहे हैं लेकिन उनको साइकोलॉजिकल मसाइल हो रहे हैं, उनको डील करने में उनके हालात इस तरह के हैं, जो काम करने की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो इन चारों टारगेट ग्रुप्स को देखने के लिए हमने एक काउंसलिंग एंड साइकोसोशल सपोर्ट सर्विस
थ्रू शुरू की है, एक हेल्पलाइन बनाई है 1093, उस पर आप कॉल करेंगे और उसके थ्रू हमने ऑन इट्स बैक 26 के करीब जो है वो हमने साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को हायर किया हुआ है, एंड दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, वेरी सीनियर डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। उसके अलावा इन 26 के अलावा अराउंड 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। उन वॉलंटियर्स में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, ये पाकिस्तान एज वेल एज मुल्क से बाहर, और उनमें वो भी हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से, फिर आपके मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, इसके अलावा वो भी हैं जो करोना पॉजिटिव थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस लोगों की को बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो भी इस पूरी सर्विस में हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, तीन तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि 1093 आप डायल करेंगे और उसमें फिर वो टेप चलेगी, और उसके बाद नंबर 2 जो उसका ऑप्शन है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आपसे तीन चीज़ें मांगी जाएंगी और उसके बाद फिर आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी, और उस टेलीफोन के भी पैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि ये नॉर्मली लंबे सेशंस होते हैं। फिर हमारा जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है वो उनको फ़ोन करेगा उस टाइम पे, और उसके बाद फिर उसके एक सेशन हो, दो हों, जितने भी सेशंस हों। अच्छा, दूसरा, अगर जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उसमें हमने ये शुरू किया है कि रेफरल सर्विस शुरू की है। अगर उनमें से किसी को फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, कोई खबर पता चलता है कि कोई और चीज़ है, कोई न्यूरो का इशू है या कोई और मेडिकल इशू है, तो उसकी अपॉइंटमेंट उस हॉस्पिटल में सारी मैनेज की जाएगी। अगर साइकोलॉजिकल साइड पे भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो फिर हमारे यूनाइटेड नेशन सॉरी यूएसए एंड यूके में कुछ सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, जो हमें टाइम दे रहे हैं और हम ये केसेस उनको रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कोई भी चीज़ सामने नहीं है। उसके अलावा हमने एक वेबसाइट, एक वेब पेज अलग-अलग बनाया है डेडिकेटेड, www.covidpss.pk। मैं दोबारा बता देता हूँ, www.covidpss.pk। और उसके अलावा एक मोबाइल ऐप अलग-अलग हमने लॉन्च किया है और वो भी बड़ा इंटरैक्टिव है, और उसमें कोशिश की है कि सारी चीज़ें रखें वो इंटरैक्टिव हो, और अगर कोई आइसोलेशन में चला जाता है, कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको भी किया जाता है, मतलब कि उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिलेंगी कि उसको इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या करना चाहिए, तो ये एक फैसिलिटी हमने की है। अच्छा, एक और चीज़ हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कराची में जिस तरह एक्सपो आइसोलेशन सेंटर है, एक्सपो सेंटर में बनाया हुआ है, फिर दो तीन और हैं, तो वहाँ जो आइसोलेशन में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए, उनको मोटिवेशन, उनकी मोटिवेशन के लिए हम वहाँ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो 5 मई और 9 मई को वहाँ सेशंस हुए हैं और अभी हो रहे हैं। फिर वहाँ जो इवन डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकली किस तरह डील करें लोगों को, इसलिए कि ये एक थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। एक तो उनको जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो उनको उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह इतने इस तरह के बिल्कुल जो डिप्रेस्ड लोग हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं उनको कैसे डील किया जाए, तो इन चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये एक
कोई एक डेढ़ एक एक महीने से ज़्यादा हो गया है। सीएम सिंध ने इसका इफ्तिताह किया था एंड मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह साहब ने इफ्तिताह किया था। उन इसमें रोज़ाना हमें तकरीबन 50 से 60 कॉल्स आ रही हैं, जिसमें फिर जेन्युइनली जिनको ज़रूरत काउंसलिंग की है वो अराउंड 50% है, 30 के करीब, 25 से 30 रोज़ाना के करीब हम इस तरह की सर्विस दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक वो एडिशनल वर्कलोड भी वो है कि जी जिनके जिनका दूसरा सेशन तीसरा सेशन, तो वो भी इस तरह हमारे साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी हम कर रहे हैं कि पूरे प्रोविंस में जो डिफरेंट एनजीओज काम कर रही हैं, जो इसमें हेल्थ में काम करना चाहती हैं, उनकी भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली इस कोविड के साथ, कोरोना के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो गया है। कोई बंदा अगर किसी को कहें कि जी साइकोलॉजिकल हम आपको सपोर्ट देते हैं नफ्सियाती, तो वो कहता है कि यार मैं पागल हूँ क्या कि मुझे जो है ना आप साइकोलॉजिकल एक चीज़ दे रहे हैं या नफ्सियाती, तो मुझे कोई तो। हालांकि ये चीज़ें सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए हैं। ये वायरस उस वक्त हिट करता है जब आप डिप्रेस्ड हो, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है जब आप डिप्रेशन पे काबू पा लें, और आधी बीमारी बढ़ जाती है जब आप डिप्रेस हो जाएं। तो और दूसरा एक और चीज़ है कि ओवरऑल पूरे माहौल में हमें ज़रूरत है कि जब तक हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पूरी कम्युनिटी नहीं करेगी और इस स्टिग्मा को ख़त्म नहीं करेगी, तब तक जो है ना हम फाइट नहीं कर सकते। अगर अब मैं आपको एक मिसाल दूं, दो दो रादर इसमें आपको मिसालें दूं कि एक खातून का फ़ोन आया हमारे साइकोलॉजिस्ट इस सर्विस पे, उसके जहन में जहन के किसी हिस्से में अटक गया था कि जी मुझे कोरोना होगा, 100% कोरोना होगा और उसमें मैं मर जाऊंगी। अब उसको फिर उसके 2-3 सेशंस हमारे साइकोलॉजिस्ट को करने पड़े और उसके बाद फिर जो वो ठीक हुई। दूसरा एक ये हुआ कि सिंध सूबे के एक शहर से कुछ पेशेंट्स, एक पूरी फैमिली जो है ना वो इन्फेक्ट हो गई थी। उसको जब कराची शिफ्ट किया गया तो उस वक्त तक नया नया वो सेंटर खुला था और उन लोगों ने उसको रजिस्टर करके एडमिट करके अराउंड 3:30 रात को, उसके बाद दूसरे दिन 2:30 तक कोई बंदा किसी ने उसको ना खाना दिया ना कांटेक्ट किया। तो वो जब कांटेक्ट कर रहे थे फ़ोन पे, तो वो सिर्फ उन उसकी जो वालदा थी और बच्ची भी वहाँ उस हमारे सेंटर पे, आइसोलेशन सेंटर पे प्रॉब्लम था कि उनके हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता ही नहीं था कि भाई जो पेशेंट्स आए हैं उनको साइकोलॉजिकली किस तरह डील किया जाए। और वो रादर इस हद तक थे मतलब के डिप्रेशन में कि लगता था कि भाई किसी वक्त भी वो कलेप्स कर सकते हैं। तो फिर वी इंटरवीन्ड और ये दिस वाज आल्सो एन एग्जांपल और एक मोटिवेशन थी कि हमें फौरी तौर पे ये सर्विस शुरू करनी चाहिए। फिर विद इन अ फ्यू डेज हमने ये सर्विस शुरू की और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यूनाइटेड अपना यूनिसेफ और UNDP और बेस्ट पार्क ये भी हमारे साथ इसमें हेल्प कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको बेसिकली सारा मैनेज कर रही है। हमने एक थ्रू कॉल सेंटर के साथ कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो ये उस वक्त तक चलेगा इंशाल्लाह जब तक जो है ना ये हम इसको कोरोना को डिफीट ना करें। तो बाकी अगर आपके कोई जो दोस्त इस पे हमारे साथ हैं, एड हुए हुए हैं और देख रहे हैं, लाइव हैं, उनका अगर कोई सवाल हो तो फिर मैं आई एम हियर। यहाँ पर एक हमारे पास सवाल है कि क्या गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोरोना के जो है? देखिए हमारे यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके अलावा काफ़ी सेंटर्स नए खोले हैं
जैसे फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल में फ्री है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने जिन्ना में, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, जिन्ना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, ट्रामा SIUT में, ट्रामा सेंटर में, फिर ओझा और एक गदाब में, ये नए सेंटर्स बनाए हैं और वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी है, हर चीज़ है। और वहाँ इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो मेन आपके पूरा पूरा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, जो डेवलपमेंट तरक्याती स्कीमें थी, वो सारी की सारी रोक दी गई हैं। और ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो खर्चा है वो इस कोविड में जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत ज़्यादा इसमें कर रही है और इसने पूरी जो तरक्याती हमारा पोर्टफोलियो है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। और मुश्किल लगता है कि अगले साल अभी जो बजट बन रहा है उसमें भी कोई ख़ास किस्म किसी किस्म की नई स्कीमें शायद बहुत ही कम आ सकें। और कोविड इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, और उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है अपने फंड्स दे भी रही है। और उसके अलावा हमें अभी 2-3 और हॉस्पिटल्स कराची में भी नई बन रही हैं, विद इन अ फ्यू डेज वो आ जाएंगी। जैसा आपको पता है कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसमें हमें ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कम पड़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज ये कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को ट्रेन करें कि वो इनिशियल जगहों पे, और किस तरह अपने आप को अपने ही घर में अच्छे तरीके से आइसोलेट करें, वहाँ ख्याल करें। और अगर फिर उनके हाँ अपने हाथ से ये चीज़ें निकल जाती हैं और तबीयत ख़राब हो जाती है, तो देन दे शुड गो फॉर दिस सेंटर्स। और उसमें हमने बहुत ही आसान रखा है कि जिसकी भी तबीयत ख़राब होगी तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हाँ, ये इशू आ रहा है हर जगह पे कि काफ़ी जगहों पे आपको सारे के सारे बेड फुल मिलेंगे, उसको भी देखा जा रहा है उसको प्रॉपरली। ये कभी कभी आपको ये शिकायत भी मिलती होगी कि जी जिसके सिम्टम्स नहीं हैं वो अगर बंदे आ जाते हैं तो उनको हम वापस भिजवा देते हैं कि नहीं जी अभी आप अपने घरों पे आइसोलेट हों, ताकि जो बोझ है जो सिर्फ सीरियस मरीज़ों का हो या ज़्यादा जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वही हॉस्पिटल्स में आएँ और हमारे आइसोलेशन सेंटर्स पर आएँ। अच्छा, यहाँ RJ फवाद जो है वो एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी टास्क फोर्स है जो किसी भी किस्म के क्राउड या रश को मुंतशिर कर सके, क्योंकि ये रश जो है यही COVID-19 की मुंतकली का अहम सबब है। देखिए, पूरा मीडिया, पूरी गवर्नमेंट्स, मींस फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट्स प्लस लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारी लगी हुई हैं। आपको हर किस्म की उस सिलसिले में जो है वो एक SOPs बताई जा रही हैं। और अब हमने इवन काफ़ी ऑन ग्राउंड सख्तियां करनी शुरू की हैं कि जी जहां जहां किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, और यहां अगर कहीं रश है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो वहां दुकानदारों पे और मॉल्स में दूसरों पे अभी सख्तियां कर रहे हैं, सील कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लेकिन देखें ना, जो आप भी एग्री करेंगी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोड है, ये गवर्नमेंट अकेली इस चीज़ को फाइट नहीं कर सकती। अनटिल एंड अनलेस वी ऑल आर देयर, एवरीबॉडी इज ट्रेंड। अभी तो आप सोशल मीडिया पे रोज़ाना आपको मैसेजेस इस तरह के मिलते हैं जो कहते हैं कि जी ये कोरोना जो है ना ये सारा फेक है। ये जब तक हम इकट्ठे मिलके सारी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी नहीं होगी, वी कैन नॉट फाइट दिस डिज़ास्टर। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे वो बंदे जो अभी तक ये कह रहे हैं कि जी ये फेक है, ये सारा ड्रामा है, उनको आई डोंट नो कि किस तरह ये लाशें नज़र नहीं आ रही जो रोज़ाना डेथ्स हो रही हैं हमारे प्यारों की, करीबी दोस्तों की।
तो वो आई डोंट नो इनको कैसे नजर नहीं आ रही। तो दिस इज अ फैक्ट, और ये किसी को भी हिट कर सकता है, खास तौर पे वो बंदे जो इससे इनकार कर रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में माशाल्लाह आप भी अब जिस तरह ये सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है, दिस इज आल्सो गुड एफर्ट फॉर अवेयरनेस और इन चीज़ों को। इवन अब ये है ना कि जिस आज हमने पाकिस्तान आज चाइना से भी नंबर ऑफ केसेस में बढ़ गया है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना कितने हालात ख़राब हैं। और आज रिकॉर्ड है कि 4,000 से ज़्यादा, 4,500 से ज़्यादा एक दिन में केसेस आए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी तो वैसे ही लिमिटेड कैपेसिटी है टेस्टिंग की। अगर ये सारों की 100% टेस्टिंग हो जाए तो पता नहीं कितने केसेस आ जाएं। तो अब ये है कि इसको ख्याल करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे मैं उन बंदों को के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता जो वो इस तरह की बातें करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी और ये वो, और वो तो अपने लिहाज से अपने जहन में बना के बैठे होते हैं कि जी अराउंड जो है ना 10% या 5% पॉपुलेशन जो है ना वाश आउट हो जाएगी। देखें, कोई बंदा कहीं किसी अपने प्यारे को खोना नहीं चाहता, ठीक है, चाहे उसकी कितनी भी है जो, लेकिन ये भी एक सही नहीं है, इसलिए कि जो 22-23 साल के, 30 साल के भी जो है ना वो जवान, वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये इस सिलसिले में वी हैव टू बी रियलिस्टिक, और अच्छे तरीके से इसको डील करने के लिए, अच्छे तरीके से फाइट करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक ये इस तरह की अफवाह उड़ी हुई थी कि वेंटिलेटर पर पेशेंट के जो है वो कुछ पैसे दिए जाते हैं शायद यूनिसेफ की तरफ से, तो इसलिए ज़बरदस्ती पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाला जा रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो ज़्यादती से भी पेशेंट मर रहे हैं। तो इस तरह की अफवाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखें ये बिल्कुल गलत है। एक तो यूनिसेफ के पास या किसी के पास इस तरह के फारिग पैसे नहीं होते, उनके जो चीज़ें हैं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती हैं, और ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, फजूल किस्म की अफवाहें, इन पे बिल्कुल किसी किस्म का ध्यान नहीं देना चाहिए। एक तो ये, दूसरा देखें करोना कैसे अटैक करता है। करोना आपकी जो बॉडी में दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी बीमारियां हैं, उनको ट्रिगर करता है। अब मेरा एक दोस्त जो है, उसका अंकल, ही वाज एडमिटेड इन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और वो गया था कि उसको जो है पैरालिसिस का अटैक हुआ था, और उसका एक साइड जो है ना वो नंब हो गया, और उसके बाद देन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। अब हर हॉस्पिटल में जो बंदा जाता है किसी ऐसी चीज़ में, तो ये प्रोटोकॉल है कि जी उसका कोविड का आप टेस्ट ज़रूर कराएंगे। जब उसका कराया तो उन्होंने पॉजिटिव आया, और उसमें जब पॉजिटिव आया तो डॉक्टरों ने उनको उन्हें कहा कि जी ये कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आपके जो है ना थ्रोम्बोसिस हुई है, या आपके आपका पैरालिसिस हुआ है। उस बात को उसके अजीज जो है ना वो तैयार ही नहीं थे, और उन्होंने वहाँ झगड़ा किया कि नहीं जी हम तो लाए थे बंदा इसका पैरालिसिस के अटैक किया, और आप लोगों ने उसको कोविड कर दिया। अब कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर अभी भी आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें सुनते होंगे कि कोई हकीम भी अपना चीज़ अपनी चीज़ें बता रहा है, कोई होम्योपैथिक भी अपना इलाज बता रहा है कि जी करोना का और शर्तिया इलाज और ये वो। तो इस किस्म की सोसाइटी में जो है ना ये सारी चीज़ें, डिस इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। तो मेरे ख्याल में हमें इन सारी चीज़ों को, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि जी इस पे ना तो यकीन करें, और इन चीज़ों के पीछे लग के अपना
कभी कभी हम उस मरीज के साथ ज्यादती कर जाते हैं और वो बंदा उसकी बीमारी खराब हो जाती है ज्यादा फर्दर, बजाय इसके को डॉक्टर्स को कहें कि जी वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। तो ये है, बाकी ये मुख्तलिफ जो आपने चीजें बताई, इट्स ऑल डिसइंफॉर्मेशन। सैयद हारून साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि जो कोई मेडिकल स्टाफ जो है इनके लिए भी कोई सेफ्टी मेजर्स है, सिंध गवर्नमेंट उनके लिए भी कुछ कर रही है, घर आके एक साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन उनके लिए भी मौजूद है, सेफ्टी मेजर और क्या क्या है उनके लिए? देखें, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, उनको हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए कि ये वो बंदे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं, वहाँ लड़ रहे हैं और ना मसायद हालात में, इसलिए कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह नहीं हैं, सर्टनली न इतनी अच्छी जो है तनख्वाहें हैं, न इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे, लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं और एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं कि जी लोगों की जानें बचानी है। हमारी ओवरऑल, चाहे वो कल्चर में समझ लें कि हम केयरलेस हैं, चाहे वो मेडिकल जो और हेल्थ जो प्रोफेशन में हैं वो भी, तो आपने अभी जो मुख्तलिफ जगहों पे रोज़ाना आपको पता चल रहा है कि यहाँ डॉक्टर्स की डेथ्स हो रही हैं, मेडिकल स्टाफ की डेथ्स हो रही हैं, बावजूद आल प्रिकॉशंस ये सारा एक्सपोजर है और ख़तरनाक तरीन एक्सपोजर है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? गवर्नमेंट ने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी गियर्स हैं, वो तो उनको प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन सर्टेनली उनकी भी इनिशियली शॉर्टेज थी, लेकिन अब किसी जगह कोई किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। लेकिन ये है कि सर्टेनली आप इसको कंपेयर किसी डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन दिस, स्पेशली ये सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव। इवन अभी हमने, मैं अपने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँगा, कि एक तो ये है ना कि जो हेल्थ है, दूसरा जो लोकल गवर्नमेंट में सफाई वाला अमला है हमारा, हमने उन सब को भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर्स एंड उनका यूनिफॉर्म, स्पेशल जो यूनिफॉर्म है और प्लस ग्लव्स, ये सारे इस पर किए हैं जो सफाई का अमला है उनको भी। उसके अलावा एक फुल कंपेन चली हुई है फ्यूमिगेशन की, फ्यूमिगेशन एंड स्प्रे दो किस्म अकसाम की हो रही है, एक एयरबॉर्न फॉर दीज मास्किटोज और दूसरे ये जो भी हैं डेंगी, और दूसरा सरफेस बॉर्न, दोनों में केमिकल्स डिफरेंट हैं। ख़ास तौर पे हम मसाजिद, जो पब्लिक के लोग जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह ऑफिसेज हैं, कोर्ट्स हैं, उन सब को वो हमारे टॉप प्रायोरिटी पे हैं, और प्राइवेटली जो आपके ग्रोसरी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, उन सब में उनके जो मालिकान हैं उन सब को हमने पाबंद किया हुआ है कि वहाँ ये करें। अब चंद दिन में शायद जो मास्क न पहनने पे अच्छी खासी सख्ती हो जाएगी। अभी भी आप अगर मार्केट में बाहर जाएं तो आपको बमुश्किल 25-30% बंदे मिलेंगे जो मास्क पहने हुए हों, लेकिन अब ये हमें 100% करना पड़ेगा और उस पर सख्ती जब होगी तभी उसका फायदा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि FIA को अपना किरदार अदा करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो रूमर्स और अफवाहें फैला रहे हैं? इन अफवाहों की वजह से ही पब्लिक के बहुत सारे लोग जो हैं वो COVID-19 को सीधे से मान रहे नहीं है कि ये कोई बीमारी एग्जिस्ट भी करती है। सऊदी अरेबिया में इस सिलसिले में बहुत सख्त सजाएं दी गई हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह के पोस्ट को इवन शेयर भी कर रहे थे जिसमें COVID-19 के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन थी, और जो मैसेजेस हैं वो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बाकायदा आ रहे हैं ऑफिशियली। आप वो उन मैसेज पर ही कहा जा रहा है कि आपने जो है अमल करना है और दूसरे किसी भी व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह पे आपने ध्यान नहीं देना है।
आप लोगों क्या इस सिलसिले में क्या हो रहा है? आई फुली एग्री विथ यू, और इस सिलसिले में दो तीन कंप्लेंट्स जो थी जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भिजवाई गई थी FIA को, और उन पे अमल दरामद हुआ है, बंदे गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन ये चंद जो है ना कम एग्जाम्पल्स हैं, इसको ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि रोज़ हम रिसीव कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, एंड इंशाल्लाह इस पे फिर मैं फर्दर जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं स्पेशली होम सेक्रेटरी, उससे मैं बात करता हूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। अच्छा, एक जो है वाकया मेरी नज़र से गुजरा जो कराची में हुआ था, उसमें एक साहब जो हैं उनका इंतकाल हुआ COVID-19 की वजह से ही, और फिर उनके घर वालों ने अपने तमाम रिश्तेदारों को इस बात का पाबंद किया कि आप हमारे घर में आएँ और ताज़िया करें, क्योंकि डेड बॉडी को अस्पताल वालों ने नहीं दी। लेकिन अब जाहिर है जो उनके घर वाले हैं उनका भी चेकअप होना ज़रूरी है कि आपके यहाँ से ये डेथ हुई है COVID-19 में, और बाकायदा जो मरहूम है वो इससे पिछले 21 दिन तकरीबन जिन जिन से मिले होंगे उन सब लोगों को भी इतला करनी ज़रूरी हो जाती है इखलाकन कानूनन और शरण कि भाई आपसे मरहूम की मुलाकातें हुई थी, आप भी अपना चेकअप कराएं। लेकिन इस चीज़ को इस तरह लिया गया कि जैसे सुलह रहमी पर इल्ज़ाम जैसे आता है कि किसी की डेथ हो गई, आप हमारे घर में ताज़ियत करने भी नहीं आए, और ज़बरदस्ती रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है कि आप हमारे घर आएँ और हमसे ताज़ियत करें, और वो जो हर हफ्ते जो कुरान खानी होती है उसमें भी हिस्सा लें। इस तरह के वाकयात को आपका जो साइकोलॉजिकल सेल है वो अवेयरनेस, और ज़ाहिर है उसके जो घर वाले हैं वो अपने आप को इल्ज़ाम समझ रहे हैं कि हमें इल्ज़ाम ना दिया जाए। डेफिनेटली जिन लोगों का भी इसका कोई कसूर नहीं होता, जिनको COVID-19 हो जाता है इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, तो आप इस तरह के लोगों को किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए, ये तो एक एक्सट्रीम किस्म का इंसिडेंट है, सर्टेनली ये नहीं होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट का भी रोल बनता है लेकिन कम्युनिटी का बनता है सख्त रोल, और दूसरा ये है कि हमें उनके अजीज़ों में इतना जो है ना वो होना चाहिए था कि वो उनको रोक दे कि भाई ये गलत आप कर रहे हैं। हमने अपने सामने देखा है, हमारे काफ़ी दोस्तों की इसमें डेथ हुई है, लेकिन उनके इवन जो है उन लोगों ने बड़ा ही सादे किस्म का चंद बंदों के साथ वो फ्यूनरल किया, उसके बाद उसका स्वयं भी नहीं रखा, वो सारे का सारा सब ने घर में बैठ के इसके किया, तो ये वाकई ये गलत बात है कि देखें दिस इज़ अ डिज़ास्टर, और उसमें ये सारी जो चीज़ें करते हैं हम, ये हमारी शरीयत ने मतलब के जो नॉर्मल हालात में जो बरियल के का प्रोसेस है प्रोसीजर है वो तो हमारी शरीयत ने दिया है, लेकिन साथ ही हमारी शरीयत ने हमारे दीन ने हमें क्लियरली इस किस्म की एपिडेमिक्स में डिज़ास्टर्स में जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हमें, और वो हमारा दीनी फरीज़ा भी है, लेकिन जहाँ अगर दीनी कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो देन शरीयत जो है वो ये अथॉरिटी दे रही है गवर्नमेंट को कि भाई वो लॉज बनाए, और उसमें कोई बंदा इस तरह उससे मुबर्रा नहीं है हो सकता। जो बंदा हुकूमत के अहकाम नहीं मानेगा तो वो इवन शरई तौर पे दीनी तौर पे भी एक खिलाफ वर्जी कर रहा है और एक गुनाह ले रहा है, तो ये चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। अच्छा, इसलिए कि ये कोविड भी पहले नया नया आया था तो इनिशियली जो बरियल्स हुए उसमें भी बिल्कुल एक एक्सट्रीम चीज़ थी कि जी किसी बंदे ने नहीं जाना और बिल्कुल पैक करके उसको इस तरह दो बंदों ने जो है ना बरी करना है और कोई नहीं आता था नॉर्मली, लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि इवन डेथ के बाद चंद घंटों के बाद व्हेन द बॉडी इज पैक्ड उसके बाद उससे कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि फिर भी हम एक मजमा लगाएं, और इसका वाहिद हल है सोशल डिस्टेंसिंग इन एवरीथिंग। किसी जगह ये नहीं है कि जी आप अगर कोई अगर ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, या ईद के दिनों में आपने देखा कि शॉपिंग्स में लगता ये था कि शॉपिंग नहीं करेंगे, जोड़ा नहीं बनाया,
ईद का, तो फिर जरूर मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जरूरी था, लेकिन अभी ये जो सारी स्पाइक आ रही है, जो ज्यादा केसेस बढ़े हैं, ये सारे ईद वाले दिनों में जो मसाइल हैं उसकी वजह से, ठीक है। और उसमें भी देर इस वजह से, ये चंद अभी 13-14 दिन गुजर गए हैं, कि इनमें से अगर जो भी बंदे इन्फेक्ट हुए हैं, तो वो तो आपको तो पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली टेस्ट वाले दिन पता नहीं चलता कि किस दिन इसको इसका एक्सपोजर हुआ है। मुमकिन है वो पहला दिन हो, मुमकिन है वो आठवां दिन हो, ठीक है। अच्छा, इवन इस तरह का भी होता है कि एक बंदे ने अभी आज टेस्ट कराया, लेकिन 4 दिन के बाद उसने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ गया, और ये पॉसिबल है। इसलिए कि उस वक्त तक अगर आप 8वें दिन पे टेस्ट कराएं और नेगेटिव है, अगर आप वही टेस्ट उसके बाद 4 दिन के बाद कराएंगे 12वें दिन पे, तो उस वक्त तक वो उसका आप उसका जो वायरस है वो कमज़ोर हो चुका होगा और वो मुमकिन है नेगेटिव। इसी तरह 3rd में भी नेगेटिव आ जाएगा, मुमकिन है उसमें सिम्टम्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट हम जो है ना किसी एक बिल्कुल आइसोलेटेड और इस तरह के एक्सट्रीम इंसिडेंट को एग्जांपल को लेके इन सारी चीज़ों से अपनी आंखें नहीं चुरा सकते, और अपनी जो एक स्टैंडर्ड एसओपी है उससे जो है ना डिपार्चर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अगर मैं कहूँ कि जी एक कोई पोस्ट पढ़ के कि जी ये फेक है, ये सारा इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, ये बिल गेट्स का है, इसका है, उसका है, ये सारी है, तो ये कोरोना ने मेरा ख्याल नहीं करना। अगर उसके बाद कोई भी बेहतियाती होगी तो उसका जिम्मेवार मैं होऊंगा, और कोरोना ने ये नहीं देखना कि जी मैं क्या सोच रहा हूँ, उसने तो हिट करना है, ठीक है जी। मैं चाहूंगी कि वाइंड अप करने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर अपना मैसेज दीजिए। दो मैसेजेस मैं दूंगा, दो चीजों का वो इंतहाई जरूरी है। देखिए, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आप मुमकिन है अपनी जिंदगी से तंग हो, लेकिन आपके साथ जो आपकी फैमिली है उनके लिए उनकी पूरी दुनिया, पूरी हर चीज़ वो आप हैं। तो आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ख्याल करें। सेकेंडली, ये कोरोना सबसे ज़्यादा जिनको हिट करता है, जिसमें आपके बुज़ुर्ग हैं, प्यारे हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी वजह से भी आप ज़्यादा एहतियात करें। सेकेंडली, ये चीज़ एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, रियल थ्रेट है, इसको सिर्फ चंद बंदों की चंद जो फेक पोस्टें हैं और फजूल किस्म के जो अफवाहें हैं उन पे कान न धरें, और उसकी वजह से अपने आप को खतरे में न डालें। पाकिस्तान तो छोड़ें, पूरी दुनिया में इस जरासीम, इस वायरस ने तहलका मचाया हुआ है, उनकी इकोनॉमीज को डिस्टर्ब किया हुआ है, पूरी लाइफ को डिस्टर्ब किया है, तो इसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और हम शायद हमारी इस्तेतात इतनी नहीं है इकोनॉमिकली, एंड इवन जो डिसिप्लिन वाइज हमारी इतनी इस्तेतात नहीं है कि हम इनको अच्छे अच्छे तरीके से डील करें। तो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, और वो भी जल्द से जल्द। तो इसमें हमारे जो पढ़े लिखे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो दूसरे जो कम पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेन करें, उन तक ये पहुंचाएं। इसलिए कि ये जो कुरान पाक में है ना कि एक आप ज़िंदगी बचाते हैं, तो आप एक ज़िंदगी बचाना इसका मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये भी आप अगर ट्रेन भी करें, किसी को डिसेमिनेट करें अवेयरनेस, उससे भी आप जिंदगियां बचा रहे हैं। तो दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी कौम ने अपना अपना इसमें पार्ट प्ले करना है।
अगर कोई बंदा कहे कि नहीं जी मैं आइसोलेट होके अपने घर बैठ गया हूँ और मैं बस अपने आप को बचाऊँ, नहीं, आपने इस पूरी कम्युनिटी को, पूरी नेशन को, पूरी उम्मत को संभालना है, हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, ये मेरी गुजारिश है। और दूसरा ये भी आप काइंडली बिल्कुल आपकी अश्योरेंस के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, जितनी इन हालात में ये है कम से कम हमें ट्रस्ट करना चाहिए। हम ठीक है तनकीद जितनी भी करते हैं, लेकिन हमारी लापरवाहियाँ हमारे पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इतना ओवरलोड करेंगी कि फिर किसी भी जगह कहीं भी ना कोई बेड मिलेगा ना वेंटिलेटर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक किस्म की के हालात, सीरियस किस्म के हालात अभी अल्लाह करे कि ना आए, लेकिन हम समझते हैं या नज़र आ रहे हैं कि आएंगे। तो वी हैव टू प्रिपेयर आर सेल्स, और ख़ास तौर पे जिनको अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, रिसोर्सेज दिए हैं, सोशल मीडिया पे दूसरे उन उस पे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत उम्दा बात, बहुत अच्छी आपने बातें की, बहुत मालूमाती बातें हैं, और थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। और इसी तरह जो है, जो हमारी आवाम है, आई एम श्योर कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। पाकिस्तानी आवाम को ज़्यादातर बहुत ज़रूरत है कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें और भरोसा करें। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर तो अपनी मदद आप भी नहीं की जा सकती। तो शुक्रिया थैंक यू, जी, बहुत बहुत सो शुक्रिया। नाइस है विजय। आई एम सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपने ये अहम पैगाम सुना जनाब रोशन अली शेख का, इस पर ध्यान दीजिएगा। और वो कहते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, आपको मिलजुल कर ही इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फर्द से माशरा बनता है और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने माशरे से मिलजुल कर इस वबा के खिलाफ जंग लड़ें और हुकूमत पर एतमाद करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी शख्सियात के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपने हमें सब्सक्राइब समीरा अजीज ऑफिशियल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट पे, और हमारा एक फेसबुक सफ़ा समीरा डॉट अजीज़ डॉट मीडिया पर भी स्माइल विद समीरा अजीज़ के प्रोग्राम्स आप तक लाइव लाए जाते हैं। बीजीएम एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ इस शो स्माइल विद समीरा अजीज़ के लिए रहते हैं हर दम मुस्तैद। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।